वहीं पर दूसरी तरफ एक बहुत ही प्यारा, लेकिन स्टेबल होना बहुत जरूरी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक मौका दे दिया F4 के जो वाइपर है उनको हिलने का मौका भी नहीं दिया। एंड यही एक मौका है जहां पे क्लच गॉड और रेंगल टॉस दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। पिछले मैच की गलती इस बार बिल्कुल नहीं दोहरानी है यहाँ पे टीम को। एक मॉली जरूर डाला लेकिन वो नीचे ही रह गया। एंड यहाँ पे टीम F4 आती हुई, तो एक बार बर्ड आई व्यू से चलते इस पूरी सिचुएशन को देखने, क्योंकि वाइपर भी उनके जस्ट नीचे आ चुके हैं। एंड रेगल टॉस और क्लच गॉड जो है वहां पे उठा लिया गया F4 का बहुत ही प्यारा वाइपर। एक M24 का फटका वाइपर को पड़ता हुआ एंड क्लच गॉड को नीचे से नॉक डाउन कर दिया गया। दूसरी तरफ से अगर रेगल टॉस ने यहाँ पे सिचुएशन संभाल लिया है, इसका मतलब F4 के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे क्लच गॉड को इजीली उठा लिया जाएगा। वहीं पर अंधा कानून के पास हेल्थ ही नहीं है, तो हेल्थ ही नहीं है एंड एक गोली के बचे हुए हैं वो। एंड उनके सामने जो प्लेयर है वो है वाइपर एंड एक गोली बहुत ही इजी बुलेट के साथ वहां पे फिनिश कर देंगे। मेरे हिसाब से वाइपर आई थिंक इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई प्लेयर उनको बैकअप करने आ जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कैजुअलिटी यहाँ पे टीम सोल जो है वो लेना नहीं चाहेगी। ग्रेनेड आया, बहुत ही प्यारा ग्रेनेड आया। वाइपर अच्छे से यहाँ पे समझते हुए वहीं पर एक मौका यहाँ पे ढूंढते हैं, वहीं पर बिल्कुल सामने आए एंड पूरी जो टीम है F4 की यहाँ से फिनिश हो जाएगी। टीम सोल को यहाँ पे अर्ली किल्स मिलती हुई, पिकार्डो उन्होंने पूरा का पूरा क्लियर आउट कर लिया। चार प्लेयर्स की यहाँ पे लूट मिल जाएगी, लेकिन माना पड़ेगा जिस तरह से सोल ने पूरा का पूरा सप्रेस किया दोनों तरफ से दबा लिया पूरी की पूरी टीम F4 को, क्योंकि ऑरेंज रॉक जो है वो फाइट ले रही है टीम नंबर 3 के साथ। एंड यहाँ पे देखना होगा कि ऑरेंज रॉक रुकते हैं कि नहीं। वहीं पर मावी को नॉकडाउन कर दिया गया, तो दलजीत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। एंड दलजीत के ओम के फटके कब देखने को मिलेंगे वो देखना होगा। वहीं पर फिलहाल के लिए सिचुएशन को AR से संभाला हुआ है, पूरा का पूरा स्प्रे कर रहे हैं, 4x स्प्रे कर रहे हैं। मावी को वहाँ पे रिकवर कर लिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। IND काफी ओपन में रुकी हुई है। आमतौर पर अगर मैं बात करूँ जो हमारी इमर्जिंग टीम्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो अंडरडॉग्स हैं, एंड आप लोग काफी सारे वहाँ पे क्रेटॉस, वहाँ पे एक बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पे साबित होता हुआ टीम IND के लिए। क्रेटॉस वहाँ पे काफी ज्यादा आगे चले गए यार। दलजीत को यहाँ पे फटका पड़ता हुआ ओम वर्सेस ओम देखने को मिलता हुआ, तो यहाँ पे ओम सिर्फ दलजीत के हाथ में नहीं है, यहाँ पे टीम OR के प्लेयर्स भी पूरा के पूरा ओम लेके रखी हुई है उन्होंने। संधू को वहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया एंड वहीं पर एग्जिस्टेंस जो है आई थिंक उनको बचाने के लिए भागेंगे। एंड वहीं पर देखना पड़ेगा कैरी मावी, ओके M24 है ओम नहीं, M24 है। ओम का आवाज आया ना इसलिए मेरे को लगा ओम है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ओम वर्सेस M24, IND वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक। ऑरेंज रॉक पिछले मैच बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर निकाला दलजीत का, यहाँ पे OR मावी को फटका जाता हुआ, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्नाइपिंग का पूरा का पूरा टूर देते हुए यहाँ पे दलजीत। तो एक बार दलजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचते हैं, क्योंकि ये ऐसी गन है वन शॉट वन किल। एंड यहाँ पे फिलहाल किल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश जरूर की, कनेक्ट नहीं किया वहां पे। एंड यहाँ पे देखना होगा कि टीम OR किस तरह से निकलती है। तो यहाँ पे ओके फ्लेयर चला दिया यहाँ पे, ऑरेंज रॉक को मानना पड़ेगा भाई पूरे डेयर डेविल्स है, क्योंकि यहाँ पे फाइट ले रहे हैं एंड उन्होंने फ्लेयर चलाई वो भी दो। वहीं पर दूसरी तरफ जो टीम सोल है यहाँ पे फाइट लेके NTT के साथ, तो ये फाइट बनेगा 4v3 का। एंड यहाँ पे रेगल टॉस बिल्कुल सामने रुके हुए हैं, बिल्कुल जो डोर है उसी के पास वहां पे बैठे हुए मॉर्टल, तू पीछे से कवर देते हुए। टीम सोल को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन है वो यहाँ पे 4v3 की नहीं है। सॉरी ब्रो, सॉरी यार। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी जो टीम NTT की है यहाँ से फिनिश हो जाएगी। एंड टीम सोल जो है यहाँ से किल्स निकालते हुए यहाँ पे जरूर क्लच गॉड को ले यार एक सही चीज नहीं गई यार। क्लच गॉड ना वहाँ पे उतर ही रहे थे कि इतनी देर में गाड़ी फट गई, वरना वहाँ पे क्लच गॉड जो थे वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए टीम सोल जो है वो यहाँ पे 8 किल्स निकालती हुई, एक जो टीम थी ऑलरेडी जो पिकार्डो में उतरी थी उनको ऑलरेडी उन्होंने वाइप कर दिया था। यहाँ पे NTT पता नहीं इतने जल्दबाजी क्यों किया NTT ने, एंड वो अभी भी गेम को आगे ले जा सकते थे, वो कहीं और भी गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन सर्कल के बाहर फाइट लेना, क्योंकि ये कंपाउंड तब भी रुकने वाला नहीं था यहाँ पे सर्कल। तो NTT को यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि NTT ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर डार्क को वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्प्रे, काफी शॉट्स वहाँ पे कनेक्ट किए, बहुत ही अच्छे जानते हैं कहाँ पे प्लेयर जो थे वो फिनिश हो सकते हैं। एक और यहाँ पे किल मिलती हुई, तो टीम सोल ऑन फायर, कैंप यहाँ पे नॉकडाउन हो सकते हैं। रेगल टॉस का बहुत ही प्यारा स्प्रे जाता हुआ एंड क्लैश के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्लैश को जो करना है मेरे हिसाब से सर्कल के अंदर है, रुके रहे, वेट करे, लो रहे पूरी तरीके से। गाड़ियों के टायर जो है वो फोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, एंड मीरामार की जो गाड़ियां होती है वो ऊंची भी काफी होती है। रेगल टॉस यहाँ पे नॉकडाउन करते हुए दोबारा से चैंप को,
तो टीम सोल यहाँ पे रश करती है कि नहीं करती है वो देखना होगा. वी आर डाउन टू टॉप 7 टीम्स. टीम आरआईपी यहाँ पे बिल्कुल बीच में रुकी हुई. वहीं पर दूसरी तरफ जो टीम ओआर है उनको देखना हुआ है. ऑरेंज रॉक के यहाँ पे चारों प्लेयर्स बचे हुए हैं एंड यहाँ पे किस तरह से सर्कल के अंदर आती है वहीं पर रेगल टॉस. वाइपर ने वहां पे क्लैश के प्लेयर जो पॉप्स ओपी थे उनको फिनिश कर दिया. तो टीम सोल ने यहाँ पे बदला जरूर ले लिया क्लैश के साथ जिस तरह से वहां पे मॉर्टल को उन्होंने फिनिश किया था क्योंकि अच्छे से जानते हैं एक तरफ का जो पूरा एरिया है उन्होंने क्लियर कर लिया है. वहीं पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर काफी ज्यादा ओपन पे आते हुए संधु नॉकडाउन हो सकते थे. मावी काफी ज्यादा क्लोज है. मावी को अगर यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया मेरे हिसाब से ग्रेनेड जाना चाहिए. टीम सोल यहाँ पे बिल्कुल ओके एक तरफ स्मोक डाल दिया. बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आरआईपी के प्लेयर बिल्कुल साइड में है तो एकदम बिल्कुल सही प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे टीम सोल दिखाती हुई ये कह सकते हैं हम लोग क्योंकि ओके यहाँ पे टीएससी जो है टीएससी अभी तक उस वेयर हाउस में रुकी हुई थी लेकिन टीएससी को चलती गाड़ी से फिनिश कर दिया जाएगा. मावी को यहाँ पे किल्स मिलती हुई तो 13 किल के साथ ऑरेंज रॉक एंड पीछे क्रिटिक का प्लेयर है के बाहर ज्यादा देर रुक पाओ. वहीं पर एक बार टीम सोल के फाइट की तरफ आ जाते हैं. वहां पे ऑरेंज रॉक जो है पूरा का पूरा यहाँ पे फाइट देती हुई 2v4 सिचुएशन अगर इस सिचुएशन को संभाला. लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड भी आ गया रेगल टॉस भी नॉकडाउन हो गए. ऑरेंज रॉक जो कि सर्कल के बाहर से आ रही थी पूरा का पूरा मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट कर सकते थे. वाइपर के ऊपर जिम्मेदारी 1v4 सिचुएशन. वाइपर ने एक प्लेयर को नॉकडाउन किया एंड स्पॉटेड तो नहीं है लेकिन इतना मौका मिलेगा नहीं जब तक खड़े होंगे तब तक कैरी वहां पे फिनिश कर देंगे. तो वी आर डाउन टू टॉप 4 टीम्स. ऑरेंज रॉक का कमबैक देखने को मिलता हुआ और कर नहीं सकते. ऑरेंज रॉक को सर्कल के अंदर आना है. मावी का अगर यहां से एक ग्रेनेड गया या फिर अगर एक स्प्रे के साथ यहां पे एक प्लेयर को पूरा का पूरा फिनिश भी करते हैं या फिर नॉक भी करते हैं तो आरआईपी का पूरा जो ध्यान है वो मावी और कैरी की तरफ हो जाएगा. वहीं पर टेम्पेस्ट को नॉकडाउन कर दिया गया तो ऑरेंज रॉक के लिए एक सही मौका बनता हुआ. नरूटो डाउन हो चुके हैं. स्काई जो है वो दोनों तरफ से घिर जाएंगे एंड एक प्लेयर को भी यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएंगे. तो विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे टीम आरआईपी वर्सेस ऑरेंज रॉक देखने को मिलता है लास्ट में एंड ऑरेंज रॉक इस मैच को जीतती हुई और सिर्फ ना जीतती हुई बहुत सारे किल्स के साथ जीतती हुई क्योंकि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे इतनी सारी एलीट टीम्स है इतनी सारी टीम्स हम लोग को देखने को मिल रही है ग्रैंड फाइनल्स चल रहे हैं एंड वहां पर इस तरह का पूरा किल परफॉर्मेंस यहां पे दिखाया. कैरी ने नौ किल निकाले.